हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप कैसे ख़राब एलईडी बल्ब जो आपके घरों पे पड़ा होता है दोस्तों, उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं खुद से ही। तो बहुत ही इजी तरीके से हम आपको ये सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं टेक्निकल सद्दाम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये एक एलईडी बल्ब पुराना वाला, तो ये ओरिजिनल बल्ब है। आप देख सकते हैं दोस्तों, डुप्लीकेट बल्ब नहीं है। तो इस बल्ब को हम जो खोल देते थे, यहाँ पर मैंने इसको पहले से खोल के रखा हुआ है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो एलईडी बल्ब के अंदर देख सकते हैं एलईडीस लगी हुई। तो यहाँ पे दो स्क्रू होते हैं जो मैंने निकाल कर रख दिए दोस्तों, और सिंपली इसको जो है एलईडी बोर्ड को हम बाहर निकाल देंगे और इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों, आप चाहे तो डायरेक्ट इसी पे चेक कर सकते हैं। कैसे मतलब कैसे चेक कर सकते हैं, इस बल्ब को जो है होल्डर में लगाने के बाद आपको जो है इसके बाद में जो दोस्तों एक छोटा सा वायर का पीस चाहिएगा। देख सकते हैं, एक वायर है जिसको मैंने दोनों तरफ से छील कर कुछ इस प्रकार से बना लिया है। तो बाद में आपको इसको जैसे ही होल्डर में लगाना है, उसके बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एलईडी के दोनों तरफ जो सोल्डिंग आपको नज़र आ रहा है कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कुछ इस प्रकार से आपको होल्डर में लगाने के बाद यहाँ पे इस तरह से क्लिक करना है। तो जैसे नहीं जल रही है तो समझ लीजिए आप ये एलईडी ठीक है। फिर इसको भी चेक कीजिए, ये भी नहीं जल रही तो ये भी ठीक है, ये भी नहीं जल रही तो ये भी ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो मैंने ब्लैक कलर का इसको मार्कर कर रखा है, ये ख़राब एलईडी मैंने चेक किया था, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको ये मैं रिपेयरिंग सिखा रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके। तो जैसे कि अब जैसे ही हम इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको पावर दिया हुआ होगा, तो ये जो इसको शॉर्ट होते ही दोस्तों ये सारी एलईडी जलने लग जाएगी। तो इसका मतलब समझ लीजिए ये एलईडी ख़राब है, बाकी सब सही है। अगर इसको शॉर्ट करने के बावजूद भी सभी एलईडी नहीं जलती है दोस्तों, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो पीली पीली एलईडी ये देख रहे हैं आप दोस्तों, इनके अंदर एक छोटा सा काला जो टीका नज़र आएगा, एकदम काला बिंदु सा नज़र आएगा या जली हुई दिखेगी, तो आप समझ जाएंगे कि एलईडी फ्यूज़ है। अदरवाइज जो हेल्दी एलईडी जो होगी दोस्तों, वो जो बिल्कुल पीली कलर में आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसे आप ऐसे चेक करेंगे तो ये ठीक है ठीक है ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे लगाएंगे ये अगर ख़राब होगी तो सभी जलने लगे। और मानिए अगर ये एक ख़राब है और ये सब नहीं जल रही है, ठीक है, एक ख़राब है तो सब जल जाएगी। और इसके अलावा भी कोई ख़राब है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये ख़राब होगी, ठीक है, देख लिया कि यहाँ पर ये लग रही है, हमें जली हुई दिख रही है ऐसी। तो इसके बाद में हम दूसरी एलईडी इसको चेक करेंगे। तो जैसे कि सभी एलईडीज़ को चेक करने पर अगर कोई एक और एलईडी कोई ख़राब निकलती है, उसको शॉर्ट करने के बाद में भी अगर नहीं जलती है, तो आप फिर सिंपली एक काम कीजिए, दोनों एलईडीज़ को चेंज करना है आपको। दो अगर ख़राब है, अगर एक एलईडी पे आप ऐसे टच करने के बाद अगर सारी एलईडी जल जाती है दोस्तों, तो सिंपली आपको यहाँ पर एक एसएमडी एलईडी चेंज करनी है। तो अब सवाल उठता है कि एसएमडी एलईडीज हम लाएँगे कहाँ से? तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, दूसरे जो ख़राब एलईडी बल्ब होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा एलईडी ख़राब हो जाती है दोस्तों, उनका पैनल लेना है। ये एलईडी वाला पैनल आप देख सकते हैं, ये एलईडी वाला जो पैनल है इसके अंदर से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो दो निशान आप देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इसमें से मैंने तीन ऐसे एसएमडी एलईडी जो डिसोल्डिंग करके बाहर निकाली। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटा वाला जो दिख रहा है यहाँ पर सोल्डिंग, ये प्लस है, और ये पतला वाला जो है ये माइनस है, ठीक है दोस्तों। नहीं सॉरी दोस्तों, ये जो पतला वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंसन किया हुआ, पतला वाला जो है ये प्लस है और मोटा वाला जो है ये माइनस है। तो इसी प्रकार से एलईडी को उठा के यहाँ से उठानी है, और यहाँ से डिसोल्डिंग करने के बाद इस पर पतला और मोटा मिलाकर यहाँ पर आपको सोल्डिंग कर देनी है। तो सिंपल सा प्रोसेस रहेगा और ये जो बल्ब जो है चालू हो जाएगा। तो ये तो रही एक्सप्लेनेशन और अब जो दोस्तों हम इसको रिपेयर कर आपको बताने वाले। वीडियो थोड़ी सी लंबी है दोस्तों, लेकिन ऐसी वीडियो आपने यूट्यूब पर नहीं देखी होगी, इसके बाद आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो चलिए जल्दी से अब इसका जो प्रोसेस हम शुरू कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ से डिसोल्डिंग कर बाहर निकाल लिया, देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको प्लस माइनस देखने को मिल जा रहा है। तो ये रेड वाला जो वायर है दोस्तों, ये प्लस है, और ब्लैक वाला आपको माइनस देखने को मिल रहा है। तो आपको सिंपली इस सर्किट को भी चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे दोस्तों? बहुत आसान है इसको चेक करना भी कि इसका सर्किट ठीक है या नहीं। इसको आप जैसे प्लग इन करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर जो टच नहीं करना है दोस्तों, सिंपली टच बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसी वायर के पीस को लेना है और इन दोनों वायर पर कुछ इस प्रकार से आपको जो टच करना है, इसके बाद यहाँ पर स्पार्किंग होगी और आवाज़ आएगी शॉर्ट सर्किट की। तो ये जो आपका जो ये सर्किट बोर्ड है, ये बिल्कुल ठीक है, आपके एसएमडी में प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पे हमको जो प्रॉब्लम जो है एलईडी में मिल चुकी है, और दोनों चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब सवाल उठता है भाई इसको हम डिसोल्डिंग कैसे करें? क्योंकि ये जो है दोस्तों, जो हॉट एयर गन जो आती है, सोल्डिंग मशीन जो आती है मोबाइल रिपेयरिंग वालों के यहाँ पर, उससे जो है ये सोल्डिंग हो जाती है, उससे जो डिसोल्डिंग होती है। लेकिन इसको मैं आपको सोल्डिंग आयरन की मदद से डिसोल्डिंग करके यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको, जो है हैवी सोल्डिंग आयरन का यूज़ करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं,
60 वोट का जो है ये मैं साइरन कंपनी का जो है सोल्डिंग आयरन यूज कर रहा हूँ। आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, बस हैवी सोल्डिंग आयरन आपको यूज करना है। सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, बस सोल्डिंग आयरन को ऐसे रख लेना है सरफेस पे, फिर आपको जो है एक प्लायर की मदद से, जो प्लायर आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार की आपके पास प्लायर हो सकती है, उस प्लायर की मदद से आपको जो है इस SMD जो इसको इस प्रकार से कुछ पकड़ लेना है, ठीक है दोस्तों। और फिर आपको जो है कुछ ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको एक चिमटी की जो यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली अच्छे से काम करने के लिए, अदरवाइज आप दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अब जो ख़राब SMD है दोस्तों, इसको क्या करना है आपको, इसके बिल्कुल बैक साइड में आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम सीट है, तो इसको जो यहाँ पर जहाँ पर ये हीट हो रहा है एलिमेंट, इसके ऊपर जो आपको यहाँ पर रख लेना है, और जब ये फुल हीट हो जाएगा तो इसको ऐसे पकड़ कर आपको उठा लेना है और ये डीसोल्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ, तो आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल लाइव करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये अच्छे से हीट हो चुका है, और अब हम यहाँ पर LED जो इसको उठाने की कोशिश करेंगे, तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत आसानी से जो ये LED जो उठ चुकी है, देख सकते हैं आप यहाँ पर LED के पीछे आपको दो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देख सकते हैं दो टर्मिनल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको SMD को रिमूव कर लेना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो टर्मिनल दिख रहा है, ये छोटा वाला प्लस है और ये बड़ा वाला जो है आपको माइनस दिख रहा है। तो इसी प्रकार से जो है इसके अंदर से हमने निकाल दिया। अब जो ये LED का जो सर्किट बोर्ड हमारे पास पड़ा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर से एक SMD LED को हमको बाहर निकालना है। तो कुछ सिंपल सा प्रोसेस रहेगा, सोल्डिंग और डिसोल्डिंग दोनों ही ऐसे ही आपको कर लेना है, बहुत आसान है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से हीट करने के बाद आपको जो SMD देख सकते हैं आप, बहुत आसान तरीके से जो यहाँ पर SMD लाइट जो है वो निकल जाती है। फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस इसको इस बोर्ड को वापस से इसके ऊपर रख लेना और यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने जो है SMD को भी यहाँ पर उठा लिया, देख सकते हैं आप बहुत छोटी सी SMD, लेकिन इसका प्लस माइनस आपको ध्यान रखना और यहाँ पर इसका प्लस माइनस देख कर अच्छे से इसको जो है कनेक्ट कर देना। तो लेकिन आपको उसमें उल्टा कनेक्ट नहीं करना, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इसकी वायरिंग उल्टी कर दी तो सारी LEDs जो है वो जल सकती है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है केयरफुल रहना पड़ेगा। तो आपको अगर काम आता है इलेक्ट्रिशियन का तो आप ये इजीली कर पाएंगे, अदरवाइज मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको जो है बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से SMD को आपको रख लेना, और यहाँ पर थोड़ी सी देर बस प्रेस करके आपको हल्का सा प्रेस करके रखना है दोस्तों, और यहाँ पे जो है आपकी SMD जो बिल्कुल अच्छे से सोल्डरिंग जो कि हो चुकी है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अच्छे से हमने सोल्डिंग कर लिया, और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई नहीं कह सकता कि आपने जो सोल्डिंग आयरन की मदद से इस SMD LED लाइट को जो आपने सोल्डिंग कर लिया, देख सकते हैं आप बिल्कुल भी नहीं गिर रही है, बिल्कुल भी नहीं गिर रही, और यहाँ पर देख सकते अच्छे से ये फिट हो चुकी है, देख सकते हैं कहीं पे भी नहीं जा रही है दोस्तों। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे सोल्डिंग हमने कर लिया। अब इस प्लेट को हम चेक करेंगे कि ये चालू हुई या नहीं हुई। तो बस सिंपल सा प्रोसेस था दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आपको जो है यहाँ पर जो है इस बल्ब के थ्रू तो आपको चेक नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो एक्सटेंशन होल्डर नहीं है बल्ब के लिए इस टाइम अवेलेबल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे हमने एक सर्किट बना कर रखा हुआ है, देख सकते हैं जैसा कि आप, ये जो सर्किट हमने यहाँ पे बना कर रखा है दोस्तों, इस सर्किट को क्या बोलते हैं, इस सर्किट को हमने नाम दिया है, ये है LED बल्ब ड्राइवर जो कि होममेड है, फुली होममेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से प्लस, यहाँ से जो AC इनपुट जाएगा और यहाँ से प्लस माइनस जो है LED बल्ब के लिए निकलेगा, और यहाँ से इस सर्किट के थ्रू जो है आप कितने भी वाट की जो LED को आप यूज कर सकते हैं, यानी कि आप 15 से 20 वाट की मान के चलिए आप इसको यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों अब हमें क्या करना है, तो अगर इस सर्किट को आप बनाना सीखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप इसको ईजिली सीख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमें सिंपली इसका प्लस इसके प्लस पर जोड़ देना और माइनस को माइनस के साथ सिंपली सोल्डरिंग कर देना है। तो बहुत ईजी प्रोसेस में, बहुत ईजी तरीके से मैं आपको जो है यहाँ पर ये LED बल्ब रिपेयरिंग जो है सिखा रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है प्लस का वायर हमने सोल्डिंग कर लिया, और वैसे ही बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें माइनस को भी सोल्डरिंग कर लेना है। तो बहुत इजी तरीका है दोस्तों, बिल्कुल इजी तरीका है, बच्चों की भाषा में मैं आपको LED बल्ब रिपेयर करना सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्डरिंग जो है प्रॉपर हो चुकी है, और अब हम इसको टेस्ट करके दिखाएंगे आपको लाइव। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमको एक्सटेंशन बोर्ड को लेकर आना होगा। तो एक्सटेंशन बोर्ड आपको यहाँ पर हम बता देते हैं, और ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड भी आप देख सकते हैं, फुली होममेड जुगाड़
पुराना मल्टीमीटर ख़राब मल्टीमीटर हुआ करता है दोस्तों, सॉरी लाइटिंग की थोड़ा इशू हो गया, वायर हिल गया था दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं पुराना जो मल्टीमीटर होता है उसी के अंदर मैंने यहाँ पर ये जो है एक बनाकर रख लिया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है इसके लिए पावर देने के लिए इनफ है, सफिशेंट है। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली पावर देते हैं, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से वायरिंग को लगाना है दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको जो एलईडी बल्ब चेक कर कर दिखाने वाला हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एलईडी बल्ब हमने लगा रखा हो, यहाँ पे स्विच चालू करते हैं दोस्तों, ये जो बल्ब है फुल ग्लो कर रहा है, देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पे स्विच की थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको देखने को मिल जाती है, यहाँ पे मेरा जो स्विच है थोड़ा सा डिस्टर्ब, देख सकते हैं बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है दोस्तों। दोस्तों आई होप आपको जो ये वीडियो पसंद आई होगी, तो दोस्तों बिल्कुल रियल वीडियो दोस्तों, इसमें कोई भी फेक नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पे जो आप ये चिप देख रहे हैं दोस्तों, इसको देखकर आप ये नोटिस मत करना कि भाई ने ये जो नकली बताया, ये जो है मैंने मदरबोर्ड जो पुराना दूसरा बल्ब था उसका रिपेयर किया था। एक्चुअल में हुआ ऐसा है कि दोस्तों इसका जो ये आप देख सकते हैं ये जो चिप जो है दोस्तों, ये जो है बिल्कुल डेड हो चुका है, यानी इसकी जो वायरिंग शायद जल चुकी है, तो ये सही नहीं है। तो ऐसे ही मैंने एक बल्ब और रिपेयर किया था, तो इसी मेथड के थ्रू तो मैं आपको ये वाला बल्ब भी चेक करवा रहा हूँ, तो कुछ इसी प्रकार से ये बल्ब भी वर्क करता है। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, और भाई को सपोर्ट करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और भाई के सब्सक्राइबर अब जल्दी से बढ़ाने हैं। तो अब देख सकते हैं जैसा कि भाई ने को वीडियो क्वालिटी भी इम्प्रूव की है, और जो है आपको बहुत अमेजिंग अमेजिंग वीडियो मिलने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है फिर इसी अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा अपना और जुड़े रहिएगा टेक्निकल सद्दाम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।